जैन साथियों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं बार, यानी कि जितना छोटा इसका नाम है इतना ही छोटा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से काफी बार पूछे जाते हैं, यानी कि टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है और बहुत जल्द से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास, जानते हैं बार क्या होता है और किस तरीके से हमें इसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बार होता क्या है। तो साथियों यदि आपका लिखा हुआ है 0.3 के ऊपर इस तरीके से डैश लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, आपका बार को इंडिकेट करेगा। किसको इंडिकेट करेगा, बार। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट, यदि हम इसके ऊपर से इसको बार को हटाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम इसको 3 3 3 3 3 3, यानी कोई भी आपका इंफिनिटी तक सीरीज चल रही है जिसका कोई अंत ना हो तो उसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। यानी कि ये जो सीरीज लिख रही चल रही है हमारी, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि 0.3 के ऊपर बार, यानी कि इसका मतलब है इस 3 का रिपीटेशन, यानी कि कितने टाइम तक, अनलिमिटेड। क्लियर है भी आपका। अब यहाँ पर कितनी भी डिजिट हो सकती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें, भाई आपका लिखा हुआ है 0.46 और इन 2 के ऊपर लगा हुआ है बार, यानी कि जितनी डिजिट के ऊपर लिखा हुआ है इतनी ही डिजिट रिपीट हो रही है। अब यानी कि ये लगा हुआ है तो यदि हमें इसको हटाना है तो इसका मतलब क्या होगा भाई, क्या होगा, 0.46 4 6 4 6 4 6 4 6, यानी कि .. इन्फिनिटी टाइम। बात समझ गए आप, बहुत आसान है। या तो आप ये कहें कि यदि हमें इसको सॉल्व करना है तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, या फिर आप ये कहें कि यदि आपको बार को हटाना है और इसी में रहने देना है डेसिमल फॉर्मेट में, तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया बार, कि बार एक्चुअली में है क्या। क्लियर है भाई, थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से हम इसके सॉल्व करेंगे, हम उस पर आते हैं। अब साथियों आता है आपका कि बार को आपको किसमें बदलना है भाई, भिन्न में बदलना है, यानी कि फ्रैक्शन में बदलना है। किस तरीके से आप बदलेंगे, आपका लिखा हुआ है इस टाइप से, यदि हम इसी की बात करें 0.3 और उसके ऊपर बार, आपसे कहा जाता है कि इसको फ्रैक्शन में बदलिए, यानी कि भिन्न में बदलिए, या हम इस तरीके से लिखा हुआ है 0.3 के ऊपर बार, कि आपको इसको फ्रैक्शन में बदलना है। तो साथियों इसके लिए बहुत सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं करना है, जितने के ऊपर बार लगा हो, यानी कि जितने डिजिट के ऊपर बार लगा हो पॉइंट के बाद में, बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, इतने में ही आपको क्या कर देना है, अपॉन में 9 कर देना है, यानी कि आपका पॉइंट 3 के ऊपर बार लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे, 3 अपॉन में 9। क्लियर है भी आपका। अब 3 अपॉन में 9, यदि आप कोई कट सकता है तो इसको हम काट लेंगे, कितने बार कटा भाई, 1 अपॉन 3। तो ये हो गई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, या आपका भिन्न के रूप में, तो यानी कि 0.3 के ऊपर बार, तो इसकी जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या है भी आपका, 1 अपॉन 3। क्लियर है भी आपको, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। चलिए एक और हम देखते हैं, आपका लिखा हुआ है भाई 0.56 इसके ऊपर बार लगा हुआ है। क्लियर है भाई। चलिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही सेम है, मैंने आपको बताया जितनी डिजिट हो उतने आपके अपॉन में क्या कर दो, 9 कर दो, बस। क्लियर है, वही हमें करना है। क्या लिखा हुआ है, 5 6 अपॉन में क्या कर दिया, 9 9, आपका पॉइंट हट जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, बार हट जाएगा। क्लियर है। चलिए अब यदि कट रहा है तो हम काट के देख लेते हैं, 3 से यदि कट रहा है तो 6 और 5 11, यानी कि 3 से नहीं कटेगा तो आपका 3 से नहीं कटेगा तो किसी और नंबर से नहीं कटेगा, तो इतना ही आपको हमें इसको लिखना होगा। क्लियर है। तो ये हो गया आपका इसका भिन्न का रूप, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं, जो इससे आगे एडवांस लेवल है उसकी हम बात करते हैं। तो साथ में होता क्या है, काफी बार आपका इस टाइप से आपका आंसर आता है कि 0.086 के ऊपर बार, यानी कि इस टाइप से आपका आंसर आया है, यानी कि क्या 0.86 के ऊपर बार, यानी कि दोनों के ऊपर नहीं है, ध्यान रखिएगा भाई 8 के ऊपर बार नहीं है इस बार। तो हम गलती क्या कर देते हैं, बहुत जल्दी से हमको इसको किस में बदलना है, फ्रैक्शन में, और हम क्या करते हैं अभी 8 6 अपॉन में 9 9, इस टाइप से हम कर देते हैं, गलत है बिल्कुल, आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा आपको क्या करना है, क्या करना है अभी इसके लिए, आपको हमें वही सेम करना है क्या, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, इतने ही अपॉन में 9 कर देंगे, इतने 9 कर दिए। अब जिसके ऊपर बार नहीं है, जितने के ऊपर बार नहीं है, कितने के ऊपर बार नहीं है भाई, 1 के ऊपर नहीं है, तो इतनी हम लिख देंगे 0। इतना क्लियर हुआ, नीचे का आपका क्लियर हो गया। तो चलिए अब आगे करते हैं, ऊपर हमें क्या लिखना है, ऊपर हमें क्या करना है, जो हमारी संख्या है 86, इसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हमें माइनस कर देना है।
क्लियर है भाई, किसको माइनस कर देंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है। क्लियर हो गया क्या भाई, हमें नीचे जिसके ऊपर बार है वो क्या लिखना है, नाइन, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके इतने क्या लिखने हैं, हमें जीरो लिखने हैं। ऊपर क्या करना है हमें, जो संख्या है उसको एज इट इज लिखेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। तो बस हमने वही कर दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं भैया, 86 में से इसको माइनस किया तो कितना बचा भैया आपका 78। अब इसके बाद में अपॉन में कितना हुआ 90। अब जितना हमारा कट रहा है उसको हम काट लेते हैं, दो से काटा भाई कितना बार कटा, तीन छह, आपका कितना बचा 9, और नीचे हम अपॉन में काटेंगे तो कितने बार कटेगा भाई आपका 45। अब यदि आपका कट रहा है तो कट जाएगा, तो हम इसको आगे कर लेते हैं सॉल्व, तीन से काटा एक और तीन से काटा तीन, और यहाँ पर काटा तीन से तो तीन एकम तीन और पांच दिया 15, तो कितना आ गया भाई आपका आंसर 30/15। तो ये आपका आंसर होगा, क्लियर है भाई, 13/15। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, समझ में आ गया होगा क्या करना है भाई। आपको सिर्फ ध्यान रखना है जिसके ऊपर बार है इतने ही आपको नाइन लिखने हैं, जिसके ऊपर बार नहीं है इतने क्या लिखनी है, जीरो लिखनी है, बाकी पूरी संख्या को हम लिखेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और हम करते हैं, उसके बाद में फिर आपको होमवर्क देंगे, वो आपको करना होगा। चलिए देखिएगा क्वेश्चन है अभी आपका कि 0.362 और इसमें आपका जो बार है आपका ये है, इस टाइप से है। तो अब आपका आंसर क्या आएगा इसको हमें बदलना है फ्रैक्शन में। चलिए करते हैं सॉल्व, वही सेम है भाई, क्या करना है कि जिस पे हमारा जितने हमारे क्या है भाई, जिसने के ऊपर बार है तो इतने हमें क्या लिख देने हैं, नाइन, दो है, और जिसके ऊपर बार नहीं है इतने क्या कर देते हैं, हम जीरो लिख देते हैं। तो नीचे का हमारा पूरा हो गया। अब इसके बाद में ऊपर की बात करते हैं, तो ऊपर मैंने आपको क्या बताया भी, आपको पूरी संख्या हम लिखेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे क्या, जितने के ऊपर क्या नहीं है भाई आपका, बार नहीं है, तो यानी कि माइनस क्या हो जाएगा भाई आपका 3। अब आगे सॉल्व करते हैं, तीन माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 359, क्या बचेगा भाई 359 अपॉन में कितना हो भाई आपका 990। यदि आपको कुछ कट रहा है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे आगे, तो आपका नहीं कट रहा है तो आपका आंसर ये हो गया। क्लियर है भाई आपका, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा है, तो आप समझ गए होंगे कि बार एक्चुअली में है क्या। चलिए अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन है भी आपका, आपको बताना है 0.367 और इसके ऊपर बार है किसके ऊपर भाई, 7 के ऊपर। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके कि इसका फ्रैक्शन में आंसर क्या आएगा, क्या है भाई आपका 0.367 और 7 के ऊपर क्या है, बार, सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर बार है, 7 के ऊपर। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके लिए, इसका आंसर आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और इससे अलग आपके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो साथ ही ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताएंगे आंसर इसका, और आगे हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं, और ट्रिक भी आपको बहुत शानदार मिलने वाली है। बस आप इस चैनल को और इस पेज को और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट का बेनिफिट हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टफ हम कहें लेकिन टफ भी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से आपको मैं समझाने वाला हूं। क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आपका पूछा जाता है इस टाइप से, 5.68 और यहां पर लगा हुआ है बार। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, यहां पर क्या है भाई 5.68, अब इसके ऊपर 8 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार। अभी तक हमने क्या किया, पॉइंट के बाद में ही हमारे नंबर थे, पॉइंट से पहले हमारे नंबर नहीं थे, अब इस बार क्या आ गया 5 भी ऐड हो गया। तो अब हमसे बोला जाता है कि इसको फ्रैक्शन में बदलिए, तो बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो पॉइंट से पहले हो उसको आपको क्या कर देना है, प्लस में ले लेना है, क्या किस में ले लेना है, प्लस में, 5+। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो समझाने की ज्यादा आवश्यकता है नहीं। अब इसके आगे हमें क्या करना है, प्लस आ गया, जहां तक भी आपका पॉइंट है उससे पहले की जो संख्या उसको हमने क्या ले लिया, प्लस में। अब इससे आगे इसको जो हम सॉल्व करते थे, जो अभी तक हम सॉल्व करते आ रहे हैं, वैसे ही हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है भाई कि जितने के ऊपर बार हो इतने हम क्या ले लेते हैं, नाइन, जितने के ऊपर बार नहीं है इतने हम क्या ले लेते हैं, जीरो। क्लियर है, अब पूरी संख्या लिखते हैं और उसमें से किसको माइनस कर देते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं है, यानी कि 6 को करके हमने माइनस। अब आगे सॉल्व करते हैं, कितना 5+ कितना बचा भी आपका, ये बचा 62 अपॉन में 90। अब इसमें आपका 2 से काटा तो कितने बार कटा भाई, 3/1 और यहां पर कितना काटा भाई, 41। अब आपका ये आंसर, इसको हमें ज्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो ऑप्शन में मिलेगा आपको क्या मिलेगा, जब आपका इस टाइप से आपका ये आ गया 5+
कितना 31 अपॉन में 41। तो आपको ऑप्शन मिलेगा, एक क्या मिलेगा, वो मिलेगा 5 सही 31 बटे 41। ये सॉरी ये यहाँ पर कितना आएगा 45, बाय मिस्टेक हो गया, आपको कितना आएगा 45। तो आपका आंसर आपको मिलेगा ये, तो आपको कितना आएगा भाई ये ऑप्शन, क्लियर है भाई। कितना ऑप्शन मिलेगा आपको, 5 सही 31 बटे 45, ये आपका होगा ऑप्शन। तो जहां पर भी आपका इस टाइप से प्लस लिखा हुआ हो उसको आप इसमें ले आएंगे, सही में ले आएंगे, यानी कि 5 सही 31 बटे 45। कैसी लगी ट्रिक कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और मैं आपको सॉल्व कराता हूं इसी टाइप से। आपका लिखा हुआ है क्या 6.37 और इसके ऊपर लगा हुआ है बार इस टाइप से। अब इसके बाद में इसको सॉल्व करना है बिल्कुल सेम इसी तरीके से करेंगे आप, क्या 6 प्लस क्या भाई आपका 37 अपॉन में कितने के ऊपर बार है, एक के ऊपर, और कितने के ऊपर बार नहीं है, एक के ऊपर नहीं है, तो जीरो। अब इसके बाद में आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे हम इसको, अगर कट रहा है तो हम काट लेते हैं, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। तो अब कुछ आगे नहीं कट रहा है तो हम कितना आगे भाई 6 सही 37 अपॉन में 90। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इतना आसान है, इतना आपको करना है जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वहां पर आपको क्या करना है उसको हम देखते हैं। यदि बार लगा हुआ हो किस पे भाई, आपका पॉइंट से पहले, उन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जितने मैं आपको इसको रब कर रहा हूं इतने आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, अगर क्वेश्चन में आपका आ जाए किससे पहले, बार आ जाए आपका पॉइंट से पहले, यानी कि आपका इस टाइप से लिखा हुआ हो 5.63 और आपका यहाँ पर बार लगा हुआ किसके ऊपर भाई 5 के ऊपर। तो अब क्या करेंगे इस टाइप में, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। तो साथियों जब आपका बार पॉइंट से पहले लगा हुआ हो तो इसका मतलब बदल जाता है, यानी कि अब इसका मतलब क्या होगा, आप इसको मान के चलिएगा माइनस, क्या मान के चलिएगा माइनस, यानी कि 5 अब क्या है माइनस का हो गया, ये 5 माइनस का हो गया और ये क्या होगा आपको इसको करना है प्लस का। पॉइंट क्या हो गया भाई 63, इसके पॉइंट के बाद में क्या है भाई आपका ये प्लस में है, क्लियर है। यदि आपका इसके ऊपर भी बार है तो उसको आप कैसे सॉल्व कर लेंगे, जो भी हमने बताया था, जो भी हम पीछे करते हुए आए हैं, ऐसे मत कर देना यदि इसके ऊपर भी बार है तो आप इसको इस तरीके से करते हैं और वो आपका गलत हो जाएगा। यदि बार है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो भी हमने किया है, यदि आपका पॉइंट से पहले है तो आप उसमें क्या ले लेंगे माइनस। अब आपने क्या कर दिया, ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया प्लस। अब इसको बस हम सॉल्व कर देते हैं, क्या है भाई हम इसको जब सॉल्व करेंगे, ये माइनस का 5 है और ये कितना है भाई, ये है आपका प्लस का। तो अब यहां पर आपका आएगा कितना भाई, माइनस का 4. कितना भाई 37। तो ये हो गया आपका आंसर, माइनस को आप भूल जाएगा तो आपका आंसर कितना हो गया 4.37। तो ये हो गया इसका आंसर। तो साथियों समझ गए होंगे, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं उसको सॉल्व करते हैं। आपका लिखा हुआ है 2.63 और इसके ऊपर लगा हुआ है बार, क्लियर है भी आपका। तो वही हमें सॉल्व करना है भाई, क्या करना है, ये क्या हो गया आपका प्लस, माइनस का क्या हो गया भाई आपका 2 और ये प्लस के कितने हो गए 63। तो अब ये आपका कितना बचेगा भाई आपका, ये बचेगा 1 पॉइंट, जब इसमें से माइनस होगा 63 तो 1 पॉइंट आपका 37 किसका माइनस का, माइनस को आप भूल जाएगा तो आपका आंसर किसका होगा भाई, कितना होगा माइनस के 1.37। तो ये होगा आपका आंसर, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा टफ आपका नहीं है। बार हमारा किसमें यूज होता है, हम इसको और भी तरीके से हमारा यूज होता है, कैसे देखिएगा। जब आपका बार किसमें यूज हो, मल्टीप्लीकेशन में यूज हो, यानी कि ये आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, इसको मैं हटा देता हूं। आगे कई बार क्वेश्चन आपका इस टाइप से भी पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन है भी आपका 6 × 4 − 3। अब इसके ऊपर बार है इस टाइप से, अब क्या करें यहां पर, अब क्या आंसर आएगा इसका। तो आपका बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, क्या है यहां पर इसका मतलब होगा ब्रैकेट, यानी कि बार का यहां पर मतलब क्या होगा भाई ब्रैकेट, यानी कि इस टाइप से क्लोज और ओपन, तो यानी कि आपका ये होगा 6 × 4 − 3, क्लियर है भाई आपका। कितना हो गया भाई आपका, पहले होता है मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई 6 × 24 − 3, यानी कि कितना होगा 21, ये हो गया आपका इसका आंसर, क्लियर है भाई आपका। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, जहां पर भी आपका इस टाइप से आए मल्टीप्लीकेशन में आए तो उसका मतलब क्या होगा ब्रैकेट होगा, बहुत सिंपल है। तो आपको ये बार का जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया होगा, यहां से जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं इतने ही टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम आगे प्रैक्टिस सेट में करने वाले हैं। तो बार यदि आपको क्लियर हो गया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। तो और यदि आप मैथमेटिक्स और किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से
जरूर जुड़े रहिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से आपको क्लासेस मिल सके, टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ इसी तरीके की क्लासेस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।